नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागा त्रिपाठी। रुक करेंगे देश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। आगामी 14 जून से मुख्यालय पौड़ी के भूमियाल देव कंडोलिया ठाकुर का 3 दिवसीय वार्षिक पूजन कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसको देखते हुए स्थानीय लोग अपना अपना सहयोग कर रहे हैं। गांव और सर्किट हाउस की सहायता समूह की महिलाओं ने मंदिर परिसर के आसपास सफाई अभियान चलाया। जानकारी देते हुए पूर्व सभासद यशोदा नेगी ने बताया कि आगामी 14 जून से 16 जून तक आयोजित होने जा रहे 3 दिवसीय वार्षिक पूजन से पूर्व मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया गया है। उन्होंने इस मौके पर भंडारा ग्रहण करने वाले सभी श्रद्धालुओं से प्रसाद ग्रहण करने के बाद पत्तल धोने इत्यादि मंदिर समिति द्वारा बनाए गए निश्चित स्थान पर डालने की अपील की, ताकि वार्षिक पूजन के बाद मंदिर परिसर गंदगी में ना पसरी दिखाई दे। आज हमने कंडोलिया भगवान के स्थान पर सफाई अभियान चलाया और हर वर्ष मेरी महिला शक्ति के द्वारा यहाँ पर सफाई अभियान चलाया जाता है। इन महिलाओं का मेरे साथ बड़ा ही सहयोग रहता है और मैं आने वाले 16 जून को जो कंडोलिया ठाकुर का भंडारा होने जा रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को जागरूक करना चाह रही हूँ कि जो भी आप वहाँ पे खाते हैं और वो पत्तल इधर उधर फेंक देते हैं, पानी की बोतल फेंक देते हैं या अन्य जो भी चिप्स के रैपर वगैरह जो भी प्लास्टिक है वो फेंक देते हैं। कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डबल इंजन की सरकार दावा करती है, बावजूद इसके अल्मोड़ा के कई पर्यटक स्थलों पर शासन और विभाग का ध्यान नहीं है। शासन और विभाग की उपेक्षा के कारण अल्मोड़ा का सिमतोला इको पार्क बदहाल हो गया है। करोड़ों की लागत से पर्यटन के लिए डेवलप किए गए सिमतोला इको पार्क में लगाए गए दर्जनों झूले देखरेख के अभाव में टूट गए हैं, जबकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां साहसिक एक्टिविटी भी बंद हो गई है। जबकि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र वॉच टावर सहित अन्य स्थान पूरी तरह खराब हो गए हैं। वन विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि सिमतोला इको पार्क में नगर वन योजना के विस्तृत डेवलपमेंट के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। खबर अल्मोड़ा से है। प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि इको पार्क में व्यवस्थाएं बदहाल नजर आई हैं, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है कि उसे ठीक करने का प्रस्ताव भेजा गया है। डबल इंजन सरकार की ओर से लगातार उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने का दावा किया जाता है, इसके बावजूद भी कई स्थलों पर अव्यवस्था देखने को मिली है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से सफाई दी गई है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां सरकार के और प्रशासन के सभी दावे विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला सिमतोला इको पार्क का है, जहां व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं, जिससे पर्यटन को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये सिमतोला जो इको पार्क है, इसमें अलग अलग समय पे कार्य कराए गए हैं और जैसा आपने कहा कि इसमें और इन्वेस्टमेंट और कार्य कराने की जरूरत है, तो इसके क्रम में मैं इस प्रभाग से इसको नगर वन योजना, जो भारत सरकार की योजना है, उसके तहत एक विस्तृत डेवलपमेंट के लिए इसकी DPR तैयार की गई है, जो उच्च स्तर पर प्रेषित की जा रही है। और यदि ये स्वीकृत हो जाता है तो तुरंत ही आप देखेंगे कि हम जो इको टूरिज्म, जो सिमतोला इको पार्क है, उसमें काफ़ी कार्य किए जाएंगे और उसको एक अच्छे तरीके से उसको रन किया जाएगा। भीमताल में पार्किंग नहीं होने से यहां पहुंचने वाले पर्यटक को जाम से जूझना पड़ रहा है। मल्लीताल तिकोनिया से डाट की तरफ जगह जगह पर बने बोर्ड स्टैंडों में सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियों से आए दिन जाम लग रहा है, जिससे स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों से भीमताल शहर पार्किंग की समस्या झेल रहा है, जबकि पार्किंग के लिए जमीन मिली लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते अभी तक पार्किंग निर्माण नहीं हो पाया है।
आज से 7 साल पहले पार्किंग की घोषणा हुई थी, लेकिन अभी तक धरातल पे पार्किंग की कोई मजबूत नींव अभी तक नहीं हुई है कि ये लोग कहाँ पार्किंग बनाएंगे, क्योंकि सबसे मुख्य स्तर है जो मुख्य केंद्र है भीमताल डांट में है, भीमताल डांट में बहुत आवश्यक है पार्किंग, जिससे यहाँ पर एक दूध वाले से लेकर एक गाड़ी वाला होटल व्यवसायी सब लोग पर्यटन पर वो है, और पार्किंग नहीं होने से कम 80% व्यापार यहाँ पर खत्म हो रहा है, और पर्यटक आता है और परेशान होकर चले जाता है, और सबसे बड़ी यहाँ पर पार्किंग की परेशानी, अगर पार्किंग अगर जब तक नहीं होगी तब तक यहाँ पर का पर्यटन दिन पर दिन गिरते जाएगा। मैं शासन प्रशासन से कहना चाहूँगा कि एक तरफ आपने जो नैनीताल को पर्यटकों की गाड़ी जाने से रोक लगाई है, वो सारे पर्यटक भीमताल में आते हैं, आपको पता है भीमताल में आने के बाद यहाँ पे पार्किंग की एक भी सुविधा नहीं है। इंडिविजुअल अभी एक हमारे भाई ने उस जिला विकास प्राधिकरण की तरफ से हमने एक इंडिविजुअल पार्किंग करी है, उसमें भी 100-150 की हम शासन प्रशासन से कहना चाहेंगे कि इतनी भूमि यहाँ पे पड़ी है उसको छांट करके इसमें पार्किंग बनाया जाए, जिससे यहाँ के व्यापारियों को भी लाभ हो। हल्द्वानी में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग मॉनसून से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 के सड़क सुरक्षा के कार्य पूरे करने में जुट गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 में मॉनसून के समय डेंजरस जोन में सड़क सुरक्षा सहित सड़कों को तत्काल खोलने के लिए सरकारी मशीनरी को भी एक्टिव करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिशासी अभियंता इंजीनियर प्रवीण कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग में सिविल वर्क और सुरक्षा कार्य तेजी के साथ कराए जा रहे हैं। बरसात के मौसम में हाईवे में भूस्खलन और अन्य खतरे को देखते हुए सुरक्षात्मक कार्य के साथ ही तत्काल मानसून में सड़कों को खुलवाया जा सके, इसके लिए सारे संबंधित कार्य पूरे किए जा रहे हैं। हमारे जिरिस्डिक्शन में NH-87 एक्सटेंशन है, जिसपे किलोमीटर 0 से लेकर 45 तक काम चल रहा है, और उसमें बिटुमिनस वर्क चल रहा है जो मानसून प्रारंभ होने के दिन तक चलता रहेगा। उसके अलावा सिविल वर्क चल रहे हैं जिसमें मानसून से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिविल वर्क में बरसात होने से क्योरिंग होती रहती है, और बरसात में जो हमारे वल्नरेबल स्पॉट्स हैं सड़कों पे, उस पर परमानेंटली पूरे पीरियड के लिए मशीनें स्टेशन रहेंगी, ताकि बंद होने की दशा में बहुत कम रिएक्शन टाइम लगे, इसकी तैयारी हमने कर ली है। कार्य तो पूरा प्रोजेक्ट हमारा है 0-45, और उसकी अनुबंध के अनुसार ही अभी समय सीमा बची हुई है, वो पोस्ट मानसून भी चलेगा, मानसून के दौरान रुक जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ विटुमिनस वर्क रह जाएगा तो उसे हम पूरा करेंगे। वैसे हमने लक्ष्य रखा है कि 15 जून से पहले विटुमिनस वर्क खत्म हो जाए। दून की सड़कों पर अक्सर आपने थोड़ी थोड़ी दूर पर कचरा फैला देखा होगा, खासकर खराब सड़कों और स्पीड ब्रेकर के पास अक्सर कचरा फैला नजर आता है। अनुमान के अनुसार दून में हर रोज करीब 350 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। छोटे छोटे वाहनों से ये कचरा डंपिंग ग्राउंड पहुंचाया जाता है, और डंपिंग ग्राउंड से शीशमबाड़ा के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में भेजा जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के टॉप 50 शहरों में शामिल होने का दावा कर रहे देहरादून नगर निगम अब तक कचरे के वाहनों को ढकने के लिए ग्रीन नेट की व्यवस्था तक नहीं कर पाया। इसको लेकर नगर आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि 2 बार ऐसे वाहनों का चालान किया गया है, और अगर अब कोई शिकायत ऐसी आती है तो उस वाहन चालक पर निगम अपनी तरफ से सख्त कार्रवाई करेगा। हमारे यहाँ 3 कंपनीज काम करती हैं अलग अलग क्षेत्रों में, इसमें से 2 कंपनी जिसमें वाटर ग्रेस और इकोन है, इसमें कंपनी प्रबंधन और उनके कर्मचारियों के मध्य कई बार विवाद की स्थिति हुई है। पिछले 6 महीने में लगभग 7 बार इनके आपसी विवाद आए हैं। इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि निगम की तरफ से इनको लगातार मंथली पेमेंट्स की जा रही हैं, इनके बिल प्रस्तुति के उपरांत वो हम टाइम से कर रहे हैं। तो जो भी विवाद है कंपनी और उनके कर्मचारियों के मध्य है, इसके लिए कंपनी प्रबंधन को चेतावनी भी दी गई है, और उनको कहा गया है कि यदि वो अपना विवाद नहीं सुलझा पाते हैं तो उनको
कार्य से पृथक किए जाने पर भी विचार किया जाएगा। बढ़ती गर्मी के चलते देहरादून के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए जिला स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। इसको लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि पूर्व में उन्होंने सभी अस्पतालों को गर्मी से जुड़ी दवाइयां जैसे ओआरएस पाउडर, आईवी फ्लूइड का इंतजाम करने की सलाह दी थी। साथ ही उन्होंने जनता से भी अपील की कि जब तक कोई जरूरी काम ना हो तब तक इस भीषण गर्मी में कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर ना निकले, और अगर कोई व्यक्ति घर से निकले तो समय समय पर पानी पीते रहें और कुछ खाते पीते रहें ताकि गर्मी के प्रकोप से बचाव हो सके। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए मेरे द्वारा पूर्व में ही सभी अस्पतालों को ये निर्देश दे दिए गए थे कि गर्मी से संबंधित बीमारियों के जो भी मरीज आ रहे हैं उससे संबंधित सभी दवाइयों का, ओआरएस पाउडर का, आईवी फ्लूड का पर्याप्त संख्या में अपने यहाँ स्टोर करना सुनिश्चित करेंगे तथा जो भी मरीज आता है तो उसको समुचित इलाज उससे संबंधित देंगे। इसमें मेरे द्वारा आम जनमानस से भी अपील की गई है कि इस भीषण गर्मी में दिन के समय पर जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, घर में ही रहें, और ज़्यादा जरूरी होने पर ही यदि घर से बाहर निकलना है तो उसी हिसाब से पानी पी के घर से बाहर निकलें और हमेशा कुछ खाते पीते रहें जिससे कि गर्मी के प्रकोप से उनका बचाव हो सके। अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी और करीब 3.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने आरोपी अभियुक्ता को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने आम जनमानस के साथ हो रही धोखाधड़ी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्ता की शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मणिभूषण श्रीवास्तव ने एक टीम गठित की जिसने आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देश भर में एक्सटोर्शन की एक गैंग एक्टिवली काम कर रही है जो कि लोगों को व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं और वीडियो को मॉर्फ करके उनसे एक्सटोर्शन करते हैं और पैसों की मांग करते हैं। इसी गैंग के द्वारा एक कोटद्वार निवासी के साथ धोखाधड़ी की गई थी। इस गैंग के द्वारा उक्त वादी के साथ कुल 3,54,000 का फ्रॉड किया गया था। वादी के द्वारा कोतवाली कोटद्वार में शिकायत हमारे पास दर्ज करवाई गई थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने इस गैंग के एक महिला सदस्य को हरियाणा से गिरफ्तार किया है और आज इस महिला को माननीय न्यायालय में पेश किया जाए। डस्टबिन फ्री देहरादून अभियान के अंतर्गत नगर निगम डोर टू डोर कूड़ा उठान अभियान चला रहा है, लेकिन लंबे समय से घरों से कूड़ा वक्त पर नहीं उठाया जा रहा। इस बात को लेकर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि हमने 3 कंपनियों को कूड़ा उठान का टेंडर दे रखा है, जिसमें से इकॉन और वाटर ग्रेस नामक 2 कंपनियों ने कंपनी प्रबंधन और उनके कर्मचारियों के बीच पिछले 6 महीनों में लगभग 7 बार आपसी विवाद सामने आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि निगम की तरफ से कंपनियों को वेतन समय पर दिया जा रहा है, लेकिन उनको चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने अपने आपसी विवादों को नहीं सुलझाया तो उनके टेंडर को खत्म करने पर विचार किया जाएगा। हमारे यहाँ 3 कंपनीज काम करती हैं अलग अलग क्षेत्रों में, इसमें से 2 कंपनी जिसमें वाटर ग्रेस और इकॉन है, इसमें कंपनी प्रबंधन और उनके कर्मचारियों के मध्य कई बार विवाद की स्थिति हुई है। पिछले 6 महीने में लगभग 7 बार इनके आपसी विवाद आए हैं। इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि निगम की तरफ से इनको लगातार मंथली पेमेंट्स की जा रही हैं इनके बिल प्रस्तुति के उपरांत, वो हम टाइम से कर रहे हैं। तो जो भी विवाद है कंपनी और उनके कर्मचारियों के मध्य है, इसके लिए कंपनी प्रबंधन को चेतावनी भी दी गई है और वो कहा गया है कि यदि वो अपना विवाद नहीं सुलझा पाते हैं तो उनको कार्य से पृथक किए जाने पर भी विचार किया जाएगा। खबर लक्सर से है, जहां लगातार भीषण गर्मी से लोगों के जनजीवन पर बुरा असर शुरू हो गया है।
जून के पहले सप्ताह में भले ही गर्मी से थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन बीते दिनों से मौसम फिर अपने तेवर दिखा रहा है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने से दिन के साथ रात को भी गर्म हवाएं लोगों को परेशान करने लगी हैं। बीते सोमवार को लक्सर का अधिकतम तापमान से 6 डिग्री इजाफे के साथ 41.01 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लक्सर में भीषण गर्मी के चलते लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उल्टी, दस्त, बुखार के 100 से अधिक मरीज इस अस्पताल में इलाज के लिए आए। लगातार मरीजों में इजाफा होने से जहां स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है, तो वहीं अब चिकित्सा अधिकारी नलिद असवाल ने बचाव के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। आजकल ज्यादातर मानव शरीर में किडनी की प्रॉब्लम हो रही है। इस विषय पर देहरादून के प्रसिद्ध किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज विश्वास ने कहा कि पूरे दिन में 2 लीटर करीब साफ तरीके से पेशाब होने पर मानव शरीर की किडनी पूरी तरह स्वस्थ है। खराब खान पान की व्यवस्था एवं नियमित व्यायाम न करना किडनी खराब होने का मुख्य कारण है। इसके बचाव के लिए सुबह वॉक करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिन भर 3 से 4 लीटर 7 लीटर पानी पीना चाहिए। खाने में तेल युक्त सामान को कम कर देना चाहिए। रुक रुक के पेशाब आ रहा हो, हाथ पैर एवं चेहरे पर सूजन आ रही हो, घबराहट हो रही हो, तो तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज विश्वास, सीनियर कंसल्टेंट हूँ। किडनी के बचाव, ये एक टर्म तो बहुत छोटा शब्द है परंतु बहुत बड़ी चीज है। गुर्दा जब जनरली खराब जब होता है तो उसमें क्या लक्षण होते हैं ये जानना जरूरी है। सबसे पहले क्या होता है कि पेशाब कम आने लगता है, इसके बाद शरीर में सूजन आ जाती है। क्यों? क्योंकि पेशाब नहीं निकल पा रहा है, वो शरीर में इकट्ठा होने लगता है। तो ये जब लक्षण दिखता है, कभी परिवार में किसी को दिखने लगे कि पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, रुक रहा है, पेशाब नहीं आ पा रहा है, शरीर में सूजन आ रही है, हाथ पैर में सूजन आ गया है, चेहरे में बिल्कुल सूजन बिल्कुल फूला सा लगता है, तो समझ लीजिए किडनी में कुछ ना कुछ दिक्कत है। इमीडिएटली तुरंत आपको सबसे पहले जाके जो फिजिशियन आपके हैं नियर में, सबसे आस पास जो नियर में फिजिशियन है आस पास में, उनको जाके दिखाना है। उनको जाके दिखाएंगे तो वो कुछ गुर्दे के टेस्ट करेंगे, बेसिक टेस्ट होंगे। अगर उसमें क्रिएटिनिन मार्जिन में आता है, सपोज कि 2 या 3 के आसपास आता है, तो उसमें इलाज संभव है शुरुआती दौर में। लेकिन अगर ये क्रिएटिनिन ज़्यादा हो, सपोज 8, 10, 12 तक है, तो उस समय में डायलिसिस करनी पड़ जाती है। डायलिसिस से घबराना नहीं चाहिए। डायलिसिस बेसिकली क्या है कि किडनी का काम आर्टिफिशियल मशीन से किया जाता है। शरीर में किडनी है, 2 किडनी है, दोनों किडनी का काम नहीं कर रही है, तो उस किडनी उसका जो प्रारूप है आर्टिफिशियल तरीका, वो डायलिसिस मशीन है। डायलिसिस मशीन के द्वारा वो खून को साफ किया जाता है, वो भी टेम्पररी मेजर है। तो जब गुर्दे खराब होने लगते हैं तो शुरुआती स्तर पे, इनिशियल स्टेज पे दवाइयाँ चलती हैं, दवाइयों से किडनी को ठीक किया जाता है। और अगर वो ऑपरेशन से ठीक होने की परिस्थिति होती है तो उसको यूरोलॉजिस्ट ठीक करता है, जो रुकावट को खोल के उस रस्ते को ठीक करता है, तो उससे गुर्दे ठीक हो जाते हैं। सपोज कभी किडनी बिल्कुल भी काम न कर रहा हो तो उस सिनेरियो में फिर डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ता है। डायलिसिस और ट्रांसप्लांट यूरोलॉजिस्ट कर रहे होते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ में मिलके, ठीक है। तो आपको गुर्दे में कुछ भी तकलीफ हो, इमीडिएटली नेफ्रोलॉजिस्ट एवं यूरोलॉजिस्ट से जाके संपर्क करिए। धन्यवाद। इससे बचाव के लिए अच्छा सर, खान पान में अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर शुरुआती दौर में है, पथरी हो रही है, पथरी की वजह से गुर्दे में थोड़ी तकलीफ लग रही है, तो उसमें पानी का मात्रा ज़्यादा लेने को बोला जाता है। पानी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसकी हार्डनेस भी दिखनी होती है। जो आजकल अपने देखा घर घर में आरओ लगा होता है, तो आरओ का बेसिक काम क्या है कि उसके में से मिनरल निकाला जाए, ठीक है। परंतु ज़्यादा मिनरल निकल जाए तब भी तकलीफ देगा शरीर में, और अगर अंदर ज़्यादा मिनरल आएगा तब भी दिक्कत देगा। तो एक एडुकेट बैलेंस चाहिए, ठीक है। बैलेंस में टीडीएस हो और बैलेंस से पानी अगर लेते हैं, 2.5 से 3 लीटर पानी लेते हैं, मेन टारगेट क्या है कि 2 लीटर पेशाब बनना चाहिए। अगर दिन में 2 लीटर पेशाब बन रहा है तो आपके गुर्दे स्वस्थ है, आप स्वस्थ हैं। गुर्दे स्वस्थ मतलब आप स्वस्थ। सितारगंज क्षेत्र के ग्राम थारू बघोरी के पास बिजटी रोड पर में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हाइड्रा की मदद से महिला के शव को कैंटर के नीचे से निकाला गया, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को शव को अपने कब्जे में लेकर सीएचसी केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। राधा देवी निवासी थारू बघोरी, उम्र लगभग 40 साल है। इनको 108 द्वारा हमारे पास मृत अवस्था में लाया गया था।
बताया जा रहा है कि ट्रॉली पलटने इनके ऊपर सही रास्ते में जा रहे होंगे, तो ट्रॉली पलटने की मृत्यु होगी। हमारे द्वारा इनको डेथ घोषित करके पुलिस सूचना यहाँ से दे दी गई, सौ पंचनामे इन्हें यहाँ से भेज दिया। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जगतपुरी स्थित बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता आभार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सांसद ने जिले भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं का चुनाव में जीत दिलाने पर आभार जताया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अब कार्यकर्ताओं के जरिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर जनता का भी आभार जताया जाएगा। ये हमारे धार्मिक नगरियां हैं, उस पर धार्मिक दृष्टि से वहाँ की जो धार्मिक महत्ता है उसको अक्षुण बनाए रखते हुए उसके लिए कुछ विचार करेंगे कि उस पर और क्या हो सकता है। जो यहाँ पर हमारे पर्यटक आते हैं, धार्मिक पर्यटक होते हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, विशेषकर रोड होल्डिंग की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम हरिद्वार जैसे बाईपास है, रिंग रोड है, वो जो उसे तो दोनों पर काम चल रहा है, तो इसको हम और गति से इसको देने के लिए हम काम करेंगे। हरिद्वार ग्रामीण है, यहाँ पर किसानों की समस्याएं हैं, किसानों की समस्या है, भू कटाव की समस्या है, भूमि पर जल भराव की समस्या है और जंगली जानवरों की समस्या है। रायपुर के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान खेल मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को आउट ऑफ टर्न जॉब 4% खेल कोटा को रोस्टर में निकालने के साथ ही अभी तक अधियाचन में भेजे जाने के ऊपर जल्द पूर्ण कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और इस बैठक के माध्यम से नेशनल गेम के निमित्त हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हैं, नेशनल गेम के निमित्त अभी तक हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हैं उनकी अद्यतन स्थिति, आने वाले समय के हिसाब से हमें कौन सा महीना कौन सी डेट हम लोगों को तय करनी है उसकी भी समीक्षा, और किस प्रकार से भारतीय ओलंपिक संघ के साथ में संवाद करते हुए तिथि की घोषणा किए जाने की जो एक औपचारिक घोषणा होनी है वह किए जाने के संदर्भ में जो है विभाग के लोगों को निर्देशित किया है। इसके अतिरिक्त आउट ऑफ टेन जो, इसके अतिरिक्त 4% रिजर्वेशन को अब तक मैं रोस्टर में निकालना और अध्याचन के लिए भेजे जाने की क्या तैयारी है उसकी भी समीक्षा की गई, और इसके साथ ही आउट ऑफ टेन जॉब में चूंकि एक नया संशोधन हो रहा है और पुनः आउट ऑफ टेन जॉब के लिए हम लोग विज्ञप्ति निकालने वाले हैं। खबर नैनीताल से है जहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर सर्विस टीम ने रोपवे से मॉक एक्सरसाइज की। मॉक एक्सरसाइज के तहत ट्रॉली को अचानक रुकवाकर ट्रॉली में सवार लोगों को रोप के सहारे सकुशल रेस्क्यू किया गया। पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। पुलिस ने साइबर ठगी करने वाली एक गैंग की महिला को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये गैंग लोगों को वीडियो कॉल करके वीडियो को अभद्र तरीके से एडिट करते थे और पीड़ित से फिरौती की मांग करते थे। देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है और एक महिला को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह लोगों को वीडियो कॉल करके उस वीडियो को अभद्र तरीके से एडिट करते थे और उसके बाद अपने शिकार से फिरौती की मांग करते थे। उसके बाद पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसा है। आपको बता दें कि देश भर में एक्सटोर्शन की एक गैंग एक्टिवली काम कर रही है, जो कि लोगों को व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं और वीडियो को मॉर्फ करके उनसे एक्सटोर्शन करते हैं और पैसों की मांग करते हैं। इसी गैंग के द्वारा एक कोटद्वार निवासी के साथ धोखाधड़ी की गई थी। इस गैंग के द्वारा उक्त वादी के साथ कुल 3,54,000 का फ्रॉड किया गया था। वादी के द्वारा कोतवाली कोटद्वार में शिकायत हमारे पास दर्ज करवाई गई थी
शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने इस गैंग के एक महिला सदस्य को हरियाणा से गिरफ्तार किया है और आज इस महिला को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। देहरादून के काठ बंगला में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग ने तीन मकान को चपेट में ले लिया। हालांकि जब यह हादसा हुआ तो घर में कोई भी मौजूद नहीं था। सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। लोगों ने पहले ही आग पर काबू पा लिया था। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।